अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद है मुसन्निफा बुशरा इकबाल मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। आज हम आपकी किताब मजमे की दूसरी औरत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और हम ये जानेंगे आपसे कि आपने सबसे पहले तो इस किताब का ये जो उन्वान रखा है इसको इंतखाब करने की क्या वजह है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। जी अच्छा, ये मजमे को तो आप लोग समझते हैं कि इट्स गैदरिंग और सम टाइप ऑफ क्राउड। अच्छा, क्राउड में, उस मजमे में एक औरत जो बेइज्जत हो रही होती है माशरे के हाथों, माशरे के हालात के हाथों, अपने मुल्क के कवानीन के हाथों, और अनफॉर्चुनेटली ये सब चीजें जो हैं मर्दों के हाथ में होती हैं, ज्यादातर मर्दाना पावर होती है, तो वहाँ आपको खातून कम नजर आती है, ठीक, मजमे में, क्राउड में। लेकिन एक खातून जब भी वहाँ आ रही होती है तो वो किसी ना किसी हवाले से टारगेट हो रही होती है, उस पर कोई इल्ज़ाम होता है। अगर इल्ज़ाम भी नहीं होता तो वो बाहर निकलने का इल्ज़ाम होता है, और वो सिर्फ एक बंदे का, एक मर्द का उसकी तरफ देखना ही उस पर इल्ज़ाम होता है, वो कि वाई आर यू हियर, तुम क्यों निकली, मैं देखूंगा। हाँ, तो ये वाले जो एटीट्यूड है, इस चीज को एक कौन महसूस कर सकता है? एक हसास दिमाग। वो औरत और मर्द का होना लाजमी नहीं है, लेकिन औरत औरत के एक्सप्रेशंस को, औरत औरत के ख्यालात को बहुत जल्दी बढ़ सकती है। तो मजमे की दूसरी औरत वो है जो उस टारगेट होने वाली खातून के ख्यालात को पढ़ती है, ठीक है। तो मैं हूँ वो राइटर जो कि मजमे की दूसरी औरत है, जो एक टारगेट होती हुई औरत के हालात को देख रही है और वो बयान कर रही है अपनी कहानियों में। जी ठीक। अच्छा, आपका एक अफसाना है कर्मा, ये एक मुख्तलिफ नौयत का अफसाना है, तो इसे लिखने की वजह क्या बनी? अच्छा, हमारे माशरे में देखो, जो मैं पाकिस्तानी माशरे की बात कर रही हूँ, रहती हूँ तो जर्मनी में हूँ, लेकिन मेरा मुल्क और मेरा माशरा तो पाकिस्तान ही है। वहाँ मैंने ये देखा है कि एक अजीब सी दौड़ शुरू हुई हुई है कि कैरियर बनाने की, कि हम कैरियर बनाएंगे अपना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें सीएसएस को या कोई सरकारी पोस्ट को बहुत अहमियत दी जा रही है, यानी आप सरकारी पीछे दीवानों की तरह भाग रही है दुनिया। अच्छा, उसमें होता ये है कि हमारे यहाँ मर्द क्योंकि अपना कैरियर की परवाह करता है, औरत कैरियर की परवाह आम तौर पर नहीं करती थी, अब नहीं करना पड़ रहा है और करना भी चाहिए। उसमें जब ये हालात हैं, कैरियर बनाने की जो दौड़ है, तगदो है, उस तगदो में जो हमारे साथ ख्वातीन के साथ जो बेइंसाफियां होती हैं, अगर कोई इत्तफाक से पहुंच भी गई है उस लेवल पर, तो उसको मुख्तलिफ तरीकों से टारगेट किया जाता है, या अगर किसी औरत को नौकरी दी भी जाती है तो वो अपने इंजॉयमेंट के लिए भी दी जाती है। अच्छा, कि मर्द कहते हैं चलो जी ऑफिस का माहौल रंगीन हो जाएगा, माहौल डिफरेंट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये एटीट्यूड है हमारे हमारे पाकिस्तानी माशरे का, कि मर्द का, सिर्फ पाकिस्तानी माशरे की बात नहीं मैं कर रही, हर उस माशरे का जहाँ पे औरत को भी मुकम्मल हकूक नहीं मिले और मुकम्मल इंसान नहीं समझा जा रहा मर्द के बराबर का, ठीक है, उसको अभी तक स्टिल इंजॉय की या कम्फर्ट की कोई चीज ही समझा जा रहा है मर्द के। तो इस लिहाज से वो मैंने दो ऐसी ख्वातीन को वहाँ पर शो करने की कोशिश की, एक है जो कैरियर बना चुकी और एक है जो बनाना शुरू कर रही है, करना चाहती है, और वो उसकी फैमिली का प्रेशर है, एक्चुअली उसकी तरबियत ऐसी की गई है, उसको बनाया ऐसा गया है, उसको खुद मालूम नहीं है कि व्हाट शी इज डूइंग, शी नोज ओनली, वो सिर्फ ये चाहती है कि मुझे ये हासिल करना है। और एक दूसरी खातून जो ये हासिल कर चुकी है, उसको ये मालूम है कि ये सब दिखावे की चीजें हैं जो मेरे साथ हो रहा है या जो कुछ हो रहा है, और ये हम अपना कैरियर बना सकती हैं ख्वातीन, जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही लें, ये असल में वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। और उसके जरिए फिर हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश ये की है कि भाई सिफारिश, रिश्वत और चंद एक फैमिली
खानदानों के हवाले से ही वहाँ पे नौकरियां मिलती है ना, उसका दादा था, बाप था, चाचा था, मामा था, या रिश्वत बहुत ज्यादा दे दी तो उसके लिए वो नौकरी ले गया। वो आमतौर पर सलाहियतों की बुनियाद पर कम ही लोगों को नौकरी मिलती है, तो वो वाली डिस्कशंस भी मैंने इसमें की है। सही, ठीक। आपने अपने अफसाने हसार में लिखा है, उसने जब भी तब्दीली के लिए कदम उठाया उसे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरना पड़ा, क्योंकि उसकी किस्मत के न्यूट्रॉन के साथ उसकी सोच के इलेक्ट्रॉन के साथ मेल नहीं खाते। आखिर में भी वो अपनी लहासे तलाश में पेचीदा दायरों को मजबूत बनाए जा रही है। इसके बारे में लिखने का ख्याल क्यों आया? अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि जैसा मैंने अभी पहले अफसाने के हवाले से भी बात की थी कि हमारे यहाँ औरत को अपनी सोच नहीं दी जाती, बस उसको कहा जाता है क्योंकि ऐसा होता रहा, तो हमारा माशरा ऐसा है, हमारी तो रवायात ऐसी हैं, हमें तो बस ये करना है, अगर तुम इससे बाहर कदम रखोगी हाँ तो तुम बुरे लोगों में शामिल हो जाओगी। अब बुरे लोग कौन है, दुनिया में टारगेट होने वाले हैं या आखिरत में? अच्छा, अब मुझे ये समझ नहीं आती, अब खुद अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी ये समझ नहीं आती कि ये हमें आखिरत का समझाने वाला है कौन, और आखिरत को हम अच्छाई और बुराई का कौन सा मेयार बना के अपने लिए वो कर सकते हैं? एक औरत को एक दायरा खींच के कह दिया बस इसमें ही मूव करना है, अम्मा भी यही कहती है, बाबा भी यही कहते हैं, दादा भी यही कहते हैं, और गली मोहल्ले का खड़ा हुआ चौकीदार भी हमें यही कहता है। तो लिहाजा हमें, इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो अपनी एक कोशिश तो करती है। देखो, मैं अगर एक औरत होते हुए कोशिश कर गई, आपने एक औरत होते हुए कोशिश कर ली, लेकिन जो 20 पीछे खड़ी है ना आपके, जो नहीं कर रही कोशिश, वो आपकी उस किस्मत को, आपके उस हासिल को लाहासिल बना रही है। ठीक, वो हमें और एक औरत का मसला नहीं है यहाँ पे, जो ये मैं बात कर रही हूँ पूरी औरत कम्युनिटी की बात हो रही है हमारे, कि वो मिलजुल कर एक दूसरे को वापस खींचती है कि दायरों पे ही चलो, जो लड़की दायरे से निकली औरत निकली तो सबसे पहले औरत ही उसको टारगेट करने के लिए आगे खड़ी होगी। ये मेरा मतलब है कि वो खुद कर रही है, जो कुछ कर रही है वो खुद ही कर रही है। अब उसमें ये है कि मैंने तो कोशिश की, मैं निकल आई, मैंने कर लिया, लेकिन मेरे साथ जो खातून है, जो खवातीन है मेरे साथ की, वो मुझे रोक रही है, दे आर ट्राइंग टू स्टॉप मी, तो वो मेरी सारी कोशिशों को क्या कहते हैं कि जाया करने वाला मामला आ जाता है। दैट्स द रीजन, ये वाला मतलब है उसमें मेरा। सही। अच्छा, आपका अफसाना है लोहो कागज, एक तो इसके बारे में बताइए, एक तो आपने इसका उनवान इस तरह का मतलब चूज किया, और फिर इसको लिखने की वजह क्या बनी? अच्छा, इसकी वजह तो सबसे बड़ी ये है कि आपने ये कहानी तो सुनी होगी ना, ये उसके नीचे मैंने, उस कहानी के नीचे भी मैंने फुट नोट दिया हुआ है कि एक फरखंदा नामी एक लड़की को काबुल में पत्थर मार मार कर, ये पत्थर मारने की रस्म और ये जो हमारे माशरे में मिशाल खान को मार दिया, जिस तरह वो श्रीलंकन मैनेजर को मार दिया, ये जो लोग जाते हैं ना बहुत से मजमे जमा होकर और लोगों को मारते हैं पत्थर मार के, और ये इस किस्म का जो वहशत और जालमाना और जानवरों वाला जो हरकत है, उस हरकत को मैं एक तो डिस्करेज करना चाहती थी इस कहानी के जरिए, दूसरा ये कि खासतौर पर खातून को अगर तुम इतना बेइज्जत करो। और ये हुआ था कि काबुल में एक लड़की थी फरखंदा, जिसको या तो वो उसको वही वाली बात जो है कि माशरा इतना टारगेट करता है, इतना टारगेट करता है, उसको इतना टारगेट किया गया कि वो ज़हनी तौर पे शायद वो ज़हनी तौर पे इतनी बागी हो चुकी थी कि उसने मस्जिद के मौलवी को जाकर के उसके साथ बहस की थी। जब उसने मौलवी से बहस की तो मौलवी ने जाकर अनाउंस कर दिया गली में कि इसने मेरे कमरे में आकर, मस्जिद में आकर कुरान पाक के नुस्खे को गिराया है, उसकी बेइज्जती की है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। तो उसको मारपीट जब शुरू की तो जाहिर है वो उसको जब लोग हाथ लगा रहे थे या मार रहे थे, उसको बेइज्जती का एहसास हो रहा था, तो वो चीख के उनको गालियां दे रही थी। तो उस पर उसका वही हशर किया गया था जो मिशाल खान का किया गया था पाकिस्तान में। अब उसमें
वो एक ऐसा दर्दनाक वाकया था, ऐसा दर्दनाक वाकया है कि मिशाल खान वाले वाकये से ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि एक औरत के जिस्म को बेहरमत करना, पूरी औरत बरादरी यानी औरत की जो इतनी कौम है पूरी खवातीन, उन सबको की बेहरमती करने के बराबर है। वो मेरी भी बेहरमती थी, वो आपकी भी थी, वो माशरे की हर औरत की थी, वो मगरिब की औरत की भी थी, वो मशरक की औरत की भी थी। तो उसमें फिर हमने कहा कि अगर आप चाहते हो, आप समझते हो कि औरत जो है, खातून जो हैं, उसको मज़हब बहुत इज्जत देता है, तो फिर उसकी इज्जत करके भी दिखा दो। तो उसमें जो बहस की गई है उस सारे अफसाने में, उसमें हमने यही बहस करने की कोशिश की है मैंने कि हमारे यहाँ तफसीर लिख दी जाती हैं, कुरान की डिटेल्स बता दी जाती हैं, लेकिन एक तफसीर दूसरी तफसीर से मुख्तलिफ भी तो है, एक आलिम का नज़रिया दूसरे आलिम से मुख्तलिफ भी तो है। अच्छा हाँ, किसने कह दिया कि जी खातून जो है वो किसी भी हवाले से मजहब के मामलात में इंटरफेरेंस ही नहीं कर सकेगी, वो लिख ही नहीं पाएगी, यानी वो तफसीर नहीं लिख पाएगी, वो उसको डिस्कस नहीं कर सकेगी, वो आकर किसी भी कुरान पाक की मुकद्दस हमारी किताब है और हमें उसकी इज्जत है, लेकिन उस अगर मैं एक आलिमा हूँ, मैंने इल्म के जरिए अरबी जुबान भी अच्छी सीख रखी है और मुझे डिस्कशन भी करना आता है और मुझे तहकीक भी करनी आती है, और एक मौलवी जिसको कुछ भी नहीं आता वो बैठकर लंबी कहानी डाल देता है और हमें उस पर चलना पड़ता है। तो उसमें यही डिस्कशन की गई है कि भाई हमें इल्म और अकल के साथ और इल्म के साथ बात करनी चाहिए, और उसमें फिर ये जालमाना हरकतें नहीं होंगी। कोई मजमे में कोई इंसान, हर इंसान की हुर्मत है ना, मर्द की भी है औरत की भी है, तो वो किसी को जलील नहीं करेगा, कम अज कम मजहब के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। ये मतलब है मेरे उस। सही, जितना मैंने आपकी किताब को देखा है उसमें मुझे ये अंदाजा हुआ है कि जो आपके अफसाने हैं उनको, उनमें एक तो बहुत ज्यादा गहराई है, उनको समझना काफी मुश्किल है। मतलब मुश्किल इसलिए है कि शायद हम उस गहराई में जाके सोचते नहीं है चीजों को, या जो चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही है हम उसको उस तरह से मतलब समझते ही नहीं है। जो चीजें आपने बयान की है वो मुख्तलिफ अंदाज में बयान की है, तो क्या आपको भी मेरी तरह से इस तरह का फीडबैक मिला है? जी हाँ, इंसानों के हवाले से ऐसा ही है। और लोग तो नंबर एक तो ये बात है कि हमारा माशरा बहुत सहल पसंद हो गया है, हमारे हमारे जो खास तौर पे कारी खवातीन तो खैर पढ़ती ही नहीं है, उनको तो पढ़ाने वाली लिस्ट में आप डालिए ही नहीं। आपने देखा होगा कि तनकीद की दुनिया में हमारे यहाँ बहुत कम खवातीन है, अफसाना लिखना शायरी करने में आ जाती हैं, उसमें भी उनमें गहराई नहीं है ना, इंतहाई सतही बातें कर। आप देखिए जितनी भी आप किताबें पढ़ेंगे, अगर आपने एक थ्योरीज को पढ़ा हुआ है, अगर आपने लिटरेचर की थ्योरीज को पढ़ा हुआ है, अदब की जितनी भी किस्में हैं, टाइप्स हैं, और उसके और डिस्कशन करने का तरीका, वो गहराई, वो सोच, या वो इल्म, या वो स्टाइल हमारी हमारे माशरे की बच्ची तक नहीं पहुंचा। वो मुझे मालूम है कि वो समझना मुश्किल है, मेरी कहानियां बहुत से लोगों की। जी सही, ठीक। अच्छा, आपने औरत को ही मौज़ू बहस रखा है, इसकी वजह क्या? आप किसी ऐसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं जो खवातीन के लिए काम करती हैं, या अपने पर्सनली शुरू से ही औरत के लिए ही लिखना शुरू किया और उसके मसाइल को आप डिस्कस कर रही हैं? शुरू से ही ऐसा है और उसी सोच और उसी हैसियत, या क्या कहते हैं कि आपकी एक वो टारगेट बना होता है ना, यू हैव वन गोल टू अचीव। तो मुझे बचपन से बहुत छोटे होते हुए भी इस किस्म के सवाल, जो भी मैंने अपनी कहानियों में उठाए हुए हैं, ये मेरे सवाल हैं जो मैं अपनी जात से करती रही। माशरे में तो कर नहीं सकते थे, घर में भी डांट पड़ जाती थी, चुप करो, गुनाह है, सवाल नहीं करते, खामोश रहो। और
बाहर तो आप बात कर ही नहीं सकते, माशरे को आपने देखा हुआ है क्या है वहां पर, यानी एक दलदल का सा समा है, फंसे हुए हैं। जबकि मेरी जितनी इस्लाम के बारे में स्टडीज हैं और जितना मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझ ना अपनी उम्महातुल मोमिनीन के बारे में जितना जानती हूँ, मैंने पढ़ा है, जितना कुछ मैं जानती हूँ, हजरत खदीजा मेरा मॉडल है और मेरे लिए एक बहुत बड़ी खातून है, वो हकीकत भी है, सारे सबके लिए है लेकिन एक मॉडल बनाते हैं ना, तो वो मेरा मॉडल है। मैंने उनके बारे में बहुत स्टडी की और सिर्फ इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई नहीं, गैर मुस्लिमों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखी हुई किताबों के हवाले से। और वो एक इनकलाबी खातून थी, वो माशरे को देखती थी, उन्होंने माशरे की बुराइयों को इकट्ठा कर रखा था, वो देखती थी और वो इस चीज से इरिटेटेड थी, शी वांट्स टू चेंज इट, तो वो उस माशरे को चेंज करना चाहती थी। और फिर उनको खुदा ने जाहिर है इतनी बड़ी शख्सियत से मिलवा दिया इसी वजह से। और ये एक दुनिया में एक इनकलाब आया और जो कुछ भी आया, लेकिन वो इनकलाब जो खवातीन लाई ना, मतलब मेरा कि खातून के जरिए आया, तो खातून खातून के खिलाफ तो कुछ नहीं करेगी ना, यानी उसने तो नहीं कहा, उन्होंने तो कहा ना कि वो कितनी टैलेंटेड थी ना, किस कदर उनमें टैलेंट, बचपन से उनकी आप जिंदगी को पढ़ना शुरू कर ले, उनका टैलेंट जो है और उनका उनका विजन जो है और आखिरी सांस तक वो क्या करती रही हमें मालूम है। तो वो भला क्यों मुझे कहेंगी कि तुमने ये नहीं पढ़ना, तो तुमने वो नहीं लिखना, तो तुमने फलां जगह नहीं जाना और तुमने फलां काम नहीं करना, वो कैसे कह सकती है, वो ऐसे ऐसे रिलीजन का की हमायत भला कैसे कर सकती है। इसका मतलब है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम तक नहीं पहुंचाई गई। उसमें मैं अपने उलमा कराम को करार देती हूँ, मुझे साफ लगता है कि वहां पर हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। और यही वजह थी, ये सोच थी जिसको मैं लेकर आगे आगे चलती थी और मैं सोचती थी क्या करूं। लिहाजा फिर जैसे ही मैं अपनी यूनिवर्सिटी खत्म करती हूँ, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। सही, आपने उसका नाम सुन रखा होगा, वुमेन राइटर्स फोरम और वुमेन राइटर्स फोरम, और मैं उसकी फाउंडर हूँ। और मैंने कोशिश ये की कि जिस तरह मेरे दिमाग में बहुत से सवाल फलते हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई सहारा कोई आसरा नजर नहीं आता कि मैं किससे बात करूं, जाकर किससे पूछूं, क्योंकि मुझे पूछने नहीं दिया जाता, मुझे कहा जाता है ये गुनाह है, इसको मत पूछो, क्यों ना पूछें, तो वो लेकिन वो कोई है नहीं जो बताए। तो लिहाजा वो सारे किताबें जो कि मैंने इस्लामी पढ़ी थी उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ था कि इस सवाल का जवाब भी चाहिए, तो इस सवाल का जवाब भी चाहिए, लेकिन मुझे मिलता नहीं। लिहाजा हमने सोचा कि क्यों ना अपना ही फोरम बना लिया जाए, तो मैंने एक वुमेन राइटर्स फोरम बनाया कि वहां पर बात करेंगे एक दूसरे से। और लेकिन क्योंकि माशरा खतरनाक है हमारा, हमारा खतरनाक होने की रीजन हमारे कवानीन है जो कि बन गए बना दिए गए, भी आप मैं देखें अपने माँ बाप को भी कायल कर सकती हूँ, मैं अपने एक बहुत बड़े ग्रुप को भी कायल कर सकती हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी को कायल कर सकती हूँ, मैं एक इदारे को कायल कर सकती हूँ, लेकिन मसला यह है कि एक ऐसा कानून बना के वहां पे रख दिया गया है कि कोई भी मेरा दुश्मन वो उसको फायदा उठाता है और वो उस पर वो फंसा सकता है, तो मैं मुझे जो भी सवाल करने वाली बेचारी है तो वो किसी तरीके से भी, तो लिहाजा हमने कहा कि हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें हम एक महजब तरीके से प्यारे तरीके से और लिटरेचर एक खूबसूरत वे है जिसमें मैं अपने आप को एक्सप्रेस जिसमें मैं बता जिसमें मैं असर डाल सकती हूँ और असर करवा सकती हूँ ना, किसी के दिल पर किसी पत्थर पर असर हो जाता है कि भाई ये क्या है, मैंने क्यों लिखा ये, अब मुझे इसको बदल देना चाहिए या मुझे अपनी उस गलती का इकरार ही कर लेना चाहिए कि भाई फलां जगह हम लोगों ने गलत लिखा, उसको फॉलो मत करो। क्योंकि खातून जो है वो अपने पूरी सिक्स सेंसेस के साथ पैदा की गई है, वो उतनी इंटेलिजेंट है, आप देख सकते हैं ना,
में साबित हो चुका, हर लिहाज से साबित हो चुका, लेकिन उसको ये कह के बिठा देना कि नहीं जी अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता, ये बात मुझे यकीन नहीं आता। इसलिए तो हमने अपना वुमेन राइट बनाया हुआ है, उस पर हम हमारी बच्चियां हमारे लोग काम करते हैं, कितनी कहानियां लिखते हैं, ख्यालात का इजहार करते हैं। सही, ठीक। अच्छा, क्या आप भी कभी राइटर्स ब्लॉक का शिकार हुई हैं? अगर ऐसा हुआ है आपके साथ भी, तो फिर आप उससे निजात कैसे हासिल करती हैं? ऐसा देखो, इनफैक्ट ये एक अपना बनाया हुआ फिनोमेना है, मुझे कौन रोक सकता। वो ग्रुप मेरे पीछे पड़ गया, फलां ने मेरे खिलाफ लिख दिया। अरे भाई, करता है हर कोई, करने दो। हाँ देखो, है दुनिया में हर किसी का अपना नजरिया है ना। मैं अगर अपने नजरिए को इतना प्रमोट कर रही हूँ और बैठकर बात कर रही हूँ और एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना ली और किताबें भी लिख डाली हैं, और मैंने प्लेटफॉर्म बनाकर सारी दुनिया में के प्लेटफॉर्म्स पे मैं उसके मुताबिक बात भी कर रही हूँ, तो दूसरे का भी हक है ना, करने दो उसको। अगर वो मुझे पे तनकीद कर रहा है, तो हो सकता है उसकी तनकीद मेरे लिए मेरी असलाह का बायस बन जाए, हो सकता है मुझे मेरी तरक्की का बायस बन जाए। और यही चीज मैंने अपने जो कर्मा अफसाना पूछा है उसमें मैंने यही साबित करने कि तनकीद होती है, हम उसको रिएक्ट करते हैं मतलब तरीकों से, लेकिन एक दिन हम कहते हैं तुम ठीक हो, तो हो सकता है मुझे मुझसे ज्यादा समझाने वाला इंसान मिल जाए, तो अच्छी बात है ना। तनकीद होनी चाहिए और होने चाहिए मुखालिफ, बात मुखालिफ ही आपको ऊंचा उड़ाते हैं, होने दो, अच्छी बात। सही। अच्छा, आप नो आमोज मुसन्निफीन को या इस सिन्फ का इंतखाब करने वाले मुसन्निफीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं तो अभी जैसा मैंने शुरू में ही आपसे बात की और मैंने कहा कि हमारे यहाँ डेप्थ नहीं रह गया, गहराई नहीं है, और उसका मुझे कल्क है, बहुत अफसोस है। इसी वजह से मैंने ये फोरम बनाए, मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाती हूँ और मैं मदारिस में भी जाती हूँ और मैं आम घरेलू देहाती खवातीन में भी जाती हूँ और वहाँ जाकर हम छोटे छोटे सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, और हम उन्हें बताते हैं कि भाई खातून को पढ़ना है वही वाली किताबें, वही वाली चीज़ें, वही वाले फलसफे जो मर्द भी पढ़ते हैं। मर्द इंटेलिजेंट कैसे हो जाता है, मर्द की गहराई और मर्द के लिखने में जो फर्क है, औरत और मर्द के लिखने के उर्दू में, उर्दू अदब में भी अच्छा लिखने वाली खवातीन बेतहाशा हैं, बहुत हैं, लेकिन मर्द वाली मुझे अभी तक सच्ची बात I'm sorry to say, मुझे मालूम है कि मेरी बात मेरी बहुत सी खवातीन को बहुत बुरी लगेगी, लेकिन मैंने ये कहा है कि मुझ पर तनकीद कीजिए, मुझसे बहस कीजिए, हो सकता है मैं सीख लूँ या मैं आपको सिखा दूँ। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि जो डेप्थ और जो गहराई और जो समझ के साथ जो स्टाइल मर्द के लिखने का है ना, वो औरत का नहीं है। उसकी वजह ये नहीं कि औरत का मकल है, उसको अल्लाह ने इतनी समझ नहीं दी, उसकी ना तजर्बाकारी है, औरत को वो तजर्बे नहीं हुए, औरत ने दुनिया को उस तरह देखा नहीं, एक किस्म का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ उसे। जी सही। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताइए। हेलो जी, जी जी, कनेक्शन रुक गया था, तो उसमें मसला जो है, मैं अपने नौ आमोज लिखने वालियों को यही मशवरा दूंगी कि बेटा ज्यादा से ज्यादा जानने, समझने और देखने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा। अपनी जात पे बीती हुई कहानी जो है वो मत सुनाए मुझे, ठीक, मुझे दुनिया पे बीती हुई कहानी सुनाए। जब आपने दुनिया को ही नहीं देखा तो आप तो अपनी जात में कहाँ है, मुझे नहीं चाहिए आपकी जात का कुआं, तो अपने कुएं से बाहर निकलो। मैं देखती हूँ मुझे बच्चियां, हम तो मेरा तो बहुत तजुर्बा हो चुका है फोरम के जरिए, बच्चियां मुझे अपनी किताबें, अपनी कहानियां, अपनी चीजें पूछ भेजती हैं जो मैं देखती हूँ। मुझे आज तक ऐसा कहीं नहीं लगा कि मैं कहूँ कि हाँ ये बच्ची बहुत समझ गई है, नहीं,
वो अभी तक अपने जात के कुएं में मगन है, तो उससे निकलना बहुत जरूरी है। उससे निकलने के लिए आपने क्या करना है, ज्यादा ज्यादा मुताला करना है, ज्यादा किताबें पढ़नी है, ज्यादा मुशाहिदा करना है, ज्यादा देखना है, ज्यादा सुनना है। जितना ज्यादा आप पढ़े लिखे लोगों की महफिलों में बैठेंगे और वहां अपनी अपने ख्यालात का इजहार करने के बजाय अगर आप वहां पर सीखने और समझने की कोशिश करें वो ज्यादा अच्छा है। अदबी महफिलों में जाइए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बच के जाइए, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप बेधड़क किसी के हाथ खिलौना या बेवकूफ बन जाए, नहीं, इसीलिए मैंने फोरम शुरू करने से मेरी मुराद ये थी, मकसद ये था कि हम एक ग्रुप की सूरत में जा सकें, क्योंकि औरत सिक्योर नहीं थी। मैं जब छोटी थी मैं भी जाती थी, मैं अपनी, मैंने बताया ना कि क्यूरियोसिटी की वजह से मुझे हर जगह जाने को, तो उसका ये हो जाता है कि हमें एहसास होने लगता है कि भाई हम यहाँ पे टारगेट हो रहे हैं, हमें गलत तरीके से देखा जा रहा है या गलत इंसान कोई। बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत प्यारे, इतने अच्छे बुजुर्ग, इतने अच्छे लोग हमें मिले, इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे साथी, मर्दों की बात कर रही हूँ, इतने अच्छे बुजुर्ग जिन्होंने हमारे सरों पर हाथ रखा, जिन्होंने हमें बहुत सिखाया, बेहतरीन लोग। लेकिन इक्का दुक्का बीच में एक ऐसा होता है, तो इसलिए मैंने उनसे यही कहा है, सब बच्चियों से, कि आप फोरम बनाने का मकसद ये है कि आप ग्रुप की सूरत में जाएं, कभी अकेला मत जाएं, दो कम से कम जरूर हो, ज्यादा से ज्यादा दो भी मैं कभी कभी उसको मना करती हूँ कि तीन हो, और तीन में से भी जब एक जा रही है उसमें से एक अच्छी तजुर्बाकार खातून हो जो आप लोगों के साथ जाया करें। और आप जरूर जाएं, बड़ी बड़ी महफिलों में जाएं, छोटी छोटी महफिलों में जाएं, जहां भी अदबी महफिल, अदबी ग्रुप या अदबी डिस्कशन या लेक्चर हो रहा है, ये किताब की रुनुमाई हो रही है, आप लोग वहां जरूर जाएं। अगर आप लिखना पढ़ना चाहती हैं, अगर आप एक मजबूत इंसान बनना चाहती हैं, तो आपको ये सब कुछ करना होगा। अगर आप ये नहीं कर रही और अपने घर के किसी कमरे में बैठकर शायरी भी कर रही हैं, अफसाने भी लिख रही हैं, तो यू आर राइटिंग ओनली ट्रैश, कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक जी, अच्छा कुछ अपने बारे में बताइए। मैंने अपने बारे में इतना तो बता दिया। नहीं, असल में मैं आपके बारे में ये जानना चाह रही हूँ कि आप पाकिस्तान से हैं और फिर आपकी एजुकेशन, आप करंटली कहाँ रह रही हैं, क्योंकि मेरी तरह हो सकता है कि बहुत से लोगों को अभी इस आपके बारे में ना पता हो, क्योंकि माशाल्लाह मैंने आपका बैकग्राउंड तो देखा है ना कि आप एक इतने बड़े पैमाने पर काम भी कर रही हैं, काफी आपने किताबें भी लिखी हैं, तो काफी लोग आपको जानते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान और बुशरा के बारे में जानना चाह रहा है तो आप क्या बताएंगे उन्हें? जी जी, मैं मेरा जो बेसिक मेरा शहर है पाकिस्तान में वो पेशावर है। मेरी थ्रू आउट स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक तमाम तरह एजुकेशन पेशावर में ही हुई, पेशावर यूनिवर्सिटी से ही मैंने एमए उर्दू किया, फिर मैंने एमए जर्नलिज्म किया, इसके बाद मैंने बीएड की डिग्री ली और टीचिंग शुरू कर दी। अच्छा, एक्टिविटी ये जो अदबी महाफिल में जाना और एक्टिविटीज करना, तो पेशावर की महाफिल, अदबी महाफिल में मैंने बहुत ज़्यादा शिरकत की। जितनी मैं यूनिवर्सिटी में भी, जितनी भी अदबी ऑर्गेनाइजेशन थी सबकी मेंबर थी, और जितना तो पेशावर से हूँ, और मैंने बीकन हाउस स्कूल में भी पढ़ाया, मैंने पेशावर के लेम्स स्कूल में भी पढ़ाया, इसके बाद मेरी शादी हुई और मैं जर्मनी आ गई। जर्मनी में मैं एक घरेलू खातून नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी में उर्दू लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ, जर्मन्स को उर्दू लैंग्वेज मैं सिखाती हूँ यहाँ पर, ये एक एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जुबानों को बहुत अहमियत दी जाती है, वही कौमें तरक्की है जो दूसरों की जुबानें सीखती हैं, वही मुशाहिदे, तजर्बे और जानने वाली क्यूरियोसिटी जो है ना, वो यहाँ पर स्टूडेंट्स में, तलबा में भर दी जाती है। अब उसमें वो एक कहानी या एक चीज पढ़ते हैं या एक पर्सनालिटी से मिलते हैं, वो उस मुल्क के बारे में पूरी तरह जानना चाहते हैं, फिर वो उसकी जुबान सीखते हैं। तो मेरे पास हर सेमेस्टर में 10-12 से 20 तक ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो प्योरली जर्मन है, जो नहीं जानते पाकिस्तान कहाँ है नक्शे पे, उनको नक्शा खोल के दिखाना पड़ता है।
अच्छा और लेकिन वो उर्दू और कोई नज्म, कोई गजल या कोई फिल्म देखकर इतने इम्प्रेस हुए कि वो पूछना चाहते हैं हमसे, फिर वो आते हैं, फिर हम उनको पाकिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं, हम पाकिस्तान का ज्योग्राफी बताते हैं कि ये क्या ज्योग्राफिया है उस जगह का, और वो कौन से पाकिस्तान में है, उसमें कौन कौन किस किस्म की एथनिसिटीज रहती हैं, और तो फिर इस हाँ उनके बारे में बताया जाता है, फिर हम उनको डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं, फिर हम उन्हें लैंग्वेज सिखाते हैं, फिर वो उर्दू लिखना और पढ़ना शुरू करते हैं हमारे साथ। तो मैं यहाँ उर्दू लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ, बॉर्न यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्न। जबरदस्त। अच्छा ये बताइए, दास्तान के साथ रابطہ किस तरह से हुआ आपका? हाँ, दास्तान के साथ रابطہ तो ऐसे हुआ कि हमारे फोरम की जितनी बहुत सी बच्चियां, बहुत से मेम्बरान जो कि आपके फोरम की काफी आपके दास्तान के साथ बहुत इन्वॉल्व हैं, तो जब मैंने वुमेन राइटर्स फोरम शुरू किया तो आपका दास्तान शुरू नहीं हुआ था। सही। और फिर जो साथ ही पैरेलल तौर पर ये जब मुझे इसका नाम आने लगा, हम सुनने लगे, हमारी बच्चियां उस दास्तान के प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज था क्योंकि वहाँ आमिर और जो आपके एक दो लोग हैं उन्होंने इसको एज ए प्रोफेशन और एक स्टेबल तरीके से अपनी अपना सिलसिला शुरू किया था। मैंने इसको एक ओपन फोरम रखा है ऑल ओवर फॉर एवरीबॉडी कैन कम एंड गो, उसमें किसी पर कोई वो नहीं है कि वो ना ही हम कुछ पे कर सकते हैं, ट्रूथ इज दिस। तो इसमें ये सिर्फ एक अदबी सी महफिल बनाने का तरीका था कि भी हमको अदबी माहौल प्रोवाइड करें, क्योंकि जो नहीं मिलता हमारी बच्ची को तो वो मैं प्रोवाइड करना चाहती थी। वहीं पर उसी सिलसिले में जब हमारी बच्चियों का आना जाना हुआ तो हम बहुत से प्रोग्राम कराते थे जिसमें आपके दास्तान के लोग तो हमारे पार्टनर होते थे प्रोग्राम्स में, या वो हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए आते थे, या हमारे मेहमान होते थे। सही। तो इसलिए आपके दास्तान और वुमेन राइटर्स फोरम यानी यंग वुमेन राइटर्स फोरम मेरा ख्याल है एक ही सिक्के के दो रुख है, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो मेंबर्स मेरी मेंबर्स हैं वो दास्तान का हिस्सा है अभी तक स्टिल। सही। जिसमें मैं एक नाम लेना चाहूंगी, एक तो आपकी समरीन है जो आजकल है आप लोगों के साथ, और दूसरा हमारे पास हमारी जो आप लोग आपकी शायद खो पार्टनर या समहाउ शी वाज सिद्रा अमीन। सिद्रा अमीन बहुत फोरम के लिए किया, वुमेन राइटर्स फोरम के लिए बहुत कुछ किया, और फिर दास्तान के लिए भी बहुत कुछ किया। ठीक। अच्छा दास्तान की मुझे आप तीन खसूसियात बताइए कि इसका इंतखाब क्यों किया जाए। अच्छा दास्तान का इंतखाब इसलिए किया जाए कि देखिए नौजवान बच्चियों को बहुत करेज मिलती है इससे ना, खास तौर पे लड़कियों को, लड़के भी हैं मैंने देखा है लड़के हैं लेकिन बहुत कम तादाद में हैं, लड़कियों को मैं ज्यादा वहां पर मसरूफ देखती हूँ और दिलचस्पी लेते देखती हूँ। उसकी तो वजह यही है ना जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारी खवातीन के पास तो कोई चांस ही नहीं है ना, सिर से है ही नहीं। तो आई एम थैंकफुल, मैं दास्तान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म और एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक मैं उसमें पीछे रह गई, हालांकि पहले मैंने शुरू किया लेकिन मैं पीछे रह गई क्योंकि मैं उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर सकती थी। मैं सिर्फ आती हूँ तीन हफ्तों के लिए, महीने के लिए पाकिस्तान, उसमें मैंने फोरम बनाया हुआ है, मैंने मेंबर्स बनाए हुए हैं, हमने ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ कोशिश की हुई है, लेकिन क्योंकि जब एक ऑफिस ना हो ना, हर वक्त कोई गाइड करने वाला 24 घंटे के लिए वहाँ मौजूद ना हो तो वो इदारा नहीं बन पाता, तो मेरा इदारा नहीं है लेकिन दास्तान एक इदारा बन गया और मुझे बहुत खुशी है इस बात की क्योंकि ये हमारे साथ ही शुरू हुआ था और अब बेहतरीन जगह पे खड़ा है। I'm really appreciating this forum. सही। अच्छा कोई पैगाम जो आप सबको देना चाहें? सबसे कौन मुराद है आप?
सबसे हम जैसे यंग गर्ल्स हैं या आपके अफसानों को कोई पढ़ता है, कोई कारी है, तो उनको आप क्या मैसेज देंगी? जी जी मैं कारी अपने कारीन को यही पैगाम दूंगी कि गौर से कहानियों को पढ़ें और उसकी डेप्थ जाने की कोशिश करें और फिर उस नज़र से उस माशरे को भी देख लें, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं देखता, उसको बुरा ही समझा जाता है एकदम से। लोग जो है ना तनकीद करनी चाहिए, जैसा मैंने आपको कहा है कि मुझे तनकीद बहुत पसंद है, आई लाइक इट, लेकिन पॉजिटिव रखो उसको वापस। वही वाली बात है जो आपने दायरों वाला बहुत अच्छा आपने पैराग्राफ बड़ा अच्छा चुना आपने जो भी बोला, शुक्रिया इंतजार का, बहुत अकल के साथ आपने आपको देखा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात पर। और तो अगर इस तरह हमारी और बच्चियां भी हों और लोग भी हों तो मुझे बहुत, मेरे हर कारी ऐसा हो तो मुझे बहुत खुशी होगी कि उन उन अल्फाज उन जुमलों को कहीं कहीं ऐसा एक जुमला आ जाता है जो नचोड़ होता है आपकी या किसी और की जिंदगी का। तो इस तरीके से किताब को पढ़ना चाहिए और किताब और अदब, हाँ अदब पढ़ने वालों से मेरी यही दरख्वास्त होगी कि अदब को, हम लोग कहते हैं ना कि अदब बराए असलाह, कि अदब बराए अदब वाली डिस्कशन अरसे से चल रही है ना, बहुत अरसा दराज हो गया, अब तो बहुत ही नई थ्योरीज आ चुकी हैं। तो मैं तो अदब और फलसफे को एक ही समझती हूँ, अदब और जिंदगी को एक ही समझती हूँ। ये जिंदगी कैसा है ना, मुझे एक्सप्रेस करना आना चाहिए ना, मुझे आपको भी एक्सप्रेस करना चाहिए, आपने मेरा कैसे इंटरव्यू लिया, आपने क्या किया, तो उसको अगर मैं किसी को बयान करूं तो मैं अच्छे पैराए में बयान कर सकूं। अच्छा, आप जितने अच्छे पैराए में बात करते हैं या जितने अच्छे पैराए में या जितने ज्यादा रेफरेंसेस देकर बात कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपका माशरा पढ़ा लिखा है जी। अच्छा, चार पढ़े लिखे लोगों का हो जाने से कोई माशरा पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, जब तक कि वो ग्रुप जो बने हैं उसमें सब लोग ही पढ़े लिखे क्यों ना हो। अब पढ़ा लिखा होने से आपका मतलब क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा होने से मतलब ये नहीं है कि आपने एमए की डिग्री ली है, बीए की डिग्री ली है, या आपने मास्टर्स कर लिया, या आप पीएचडी करके या यूनिवर्सिटियों में हमारी तरह आके कोई बड़ी चीज बन गए बैठे हुए हैं, नहीं, वो पढ़ा लिखा होना नहीं है। पढ़ा लिखा होना अकल समझ और शऊर का पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि मैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाकर लेक्चर्स देती हूँ, सेमिनार्स देती हूँ, वर्कशॉप करती हूँ, तो मैं गांव की बच्चियों से जब मिलती हूँ, गांव के लोगों में मिलती हूँ या मदारिस की बच्चियों से मिलती हूँ, तो मुझे उन वो ज्यादा बाशऊर लगती हैं, ज्यादा समझदार लगती हैं बनिस्बत शहर में यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों के। ठीक, क्योंकि वो बहुत सोचती हैं, बहुत देखती हैं, बहुत तलाश करती हैं। ठीक, तो ये सारी हमारी मेरा पैगाम है कि सोचिए, जानिए, तलाश कीजिए। सही, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई, और दास्तान का भी शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इंशाल्लाह और भी कोई कोऑपरेशन रहा तो करेंगे, आपके उसमें सिर्फ मजमे की औरत नहीं, मेरी दूसरी किताब तानी के बारे में भी है। उसका जी, उसका अलग से मैं इंटरव्यू आपके साथ कनेक्ट करूंगी इंशाल्लाह, और जल्द ही करूंगी जी, जरूर, क्योंकि वो फेमिनिज्म का जो कहानी है और फेमिनिज्म को जिस तरीके से बुरा भला माशरे में हमारे कहा जा रहा है उस पर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। वो दिमाग बिल्कुल बहुत बंद है, दिमाग और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत गलत तरीके से ये सब चीज सामने लाई जा रही है, लोगों को बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, अजीब अजीब सी चीजें लोग भी कर रहे हैं और कहने वाले भी गलत कह रहे हैं और करने वाले भी गलत कर रहे हैं, बहुत सी गलतियां हैं, उनको दुरुस्त होना चाहिए। और मैं पाकिस्तानी तानिसियत पर रिसर्च कर रही हूँ, मैं उस पर काम कर रही हूँ कि पाकिस्तान में कैसा निज़ाम होना चाहिए, हर सोसाइटी की अपनी डिमांड्स हैं जी। बिल्कुल, ठीक, ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, खुदा हाफिज़।